सीनियर कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद मेंबर शमशेर सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस के विरुद्ध खुल के बगावत कर रही है। उन्होंने बयान दिया है, उनका अपना बयान नहीं है, उसके पीछे कोई और लोग है, किसी ने उसके आका ने उसको लिखा कर दे दिया, क्योंकि ये तो दरबारी है, दरबारी का काम होता है कि जो उसका आका कहता है उसे आगे करे, और हो सकता है इन बातों से उसका आका खुश होकर उनको कोई और चीज दे दे। इसलिए मैं संदर्भ में हूँ कि एक बहुत साजिश के तहत तो मुझे टारगेट करने की कोशिश की गई है। वो सारा पंजाब जानता है, जिसके कहने से ये बयानबाजी देता है, ये खुद पूछो लाल सिंह से, ये उसकी जो लैंग्वेज है जो लिखी हुई है, क्योंकि इतना तो सारा लाल सिंह पढ़ा लिखा नहीं है कि ये आप लिख लेगा। वो क्या लगता है, जब से आपकी वाइफ और आपका बेटा आमानवी बाटवी गए, तब से ये सब कुछ शुरू हुआ या इससे पहले से भी आपको? मेरे खिलाफ तो देखो, मेरे खिलाफ जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था तब भी मेरे खिलाफ साजिशें होती रही, जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, ये एक लॉबी है जो कहते हैं कि इसके पॉलिटिकल खत्म करो, मुझे इलेक्शन भी हराएगा, मेरे खिलाफ करोड़ों रुपए उस समय के मुख्यमंत्री ने बांटे और हमारे घर पर रेडें कराई गई, सर्चे कराई गई, ताकि लोगों में एक मैसेज जाया जाए, और हाईकमान ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये लोग वही लोग हैं, उनको वो मेरे से खतरा समझते हैं अपने आप को कि इससे हमें खतरा है, इसे पॉलिटिकली भी मारो और फिजिकली भी मारो। मैं कहता हूं कि अगर लाल सिंह ने जिस तरह करके दिल्ली से टिकट ली है, उसने यहां तक कह दिया आम मीटिंग में कि मेरे घर में बगावत हो जाएगी अगर ऐसा ना हुआ, और मैनेज किया है टिकट, अगर लाल सिंह के बेटे को टिकट ना मिले हो सकता है वो भी जा सकता है, अगर मैडम परनीत कौर को टिकट ना मिलती हो सकता है वो भी चली जाती, और जैसे अमरिंदर सिंह के जो भाई हैं सरदार बलिंदर सिंह, वो समाना से टिकट मांग रहे हुए लास्ट टाइम, वो अकाली दल में चले गए थे, ऐसी बात नहीं है। ये शत्रुघ्न सिन्हा पटना से कांग्रेस का उम्मीदवार है, और उसकी वाइफ वहाँ लखनऊ से है पूनम सिन्हा, उसका उससे कहे कांग्रेस अगर लिखे उसका टिकट वापस लिया जाए, वो कंपेन कर रहा है। ये डॉक्टर मैं डॉक्टर कर्ण सिंह हमारे साल आज समय में मैम, उसका बेटा बीजेपी में MLC बना, उसका दूसरा बेटा PDP में बना, उसको क्यों नहीं कांग्रेस ने निकाला? लाल सिंह को इन बातों का ज्ञान नहीं है। जिस तरह से बयान आया लाल सिंह जी का, आपको नाराजगी है कांग्रेस के खिलाफ में नाराजगी? मैं तो सुन लो, मैं जो अब फतेहगढ़ है वहां से मैं पहले MP था जी। लोकसभा में था 99 में, 204 में मैं इलेक्शन लड़ा, 204 में जो अकाली दल मेरे से जीता लिबड़ा 28,000 से मैं हारा था, मुझे हराया गया उस समय के मुख्यमंत्री ने, मैं दोष लगा रहा हूँ, ये जो भी ये एक कॉकस है जो हमें मारना चाहती है पॉलिटिकली भी वैसे, ताकि मैं गरीबों की आवाज ना उठा सकूं, दलितों की, बैकवर्ड क्लासेस की, गरीब नॉन जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जट जिनके पास जमीन नहीं, उनकी आवाज, इनको तो चमचे चाहिए, इनको मरासी चाहिए, इनको दरबारी चाहिए लाल सिंह जैसे। अब सीधे तौर पर मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं कांग्रेस में पॉलिटिक्स, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूँ, मैं स्टूडेंट 19 साल की उम्र में जेलों में रहा हूँ एज स्टूडेंट लीडर, मैं MLA बनने के लिए, MP बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए नहीं, मेरा मोटिव है, मेरा मिशन है कि गरीबों को जागृत करो, डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू, इंदिरा जी की फलसफी को आगे बढ़ाएं, ये मेरा